ఇక్కడ మీకు రిపీట్ చేశాను రైట్ కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంకా గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए वो मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई फिर हमारे परमादरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया उन्हीं की अगुवाई थी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है एक महीने से वे कर्नाटका में रहे उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ श्री सिद्धरमैया जी और श्री डीके शिवकुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब ने अथक परिश्रम किया उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमने कुछ वादे किए हैं कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है जो विकास की बात करे जो जनता के मुद्दों पर आधारित हो बहुत बहुत धन्यवाद देखिए जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम जनता के सामने गए कुछ गारंटीज लेकर हमें उन्हें पूरा करना है जनता के लिए हमें काम करना है और आगे जनता ही बताएगी क्या होगा రైట్ ప్రియాంకా గాంధీ స్పందన మనం చూసాం కర్ణాటక ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఆమె చాలా కీలకంగా పాల్గొన్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికలనైతే ఆమె చాలా వ్యక్తిగత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని మరీ పనిచేసిన సందర్భం అయితే చూసాం ఖచ్చితంగా రాబోతున్న ఎలక్షన్స్లో అటు మధ్యప్రదేశ్ కానీ అలాగే ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఇదే రిపీట్ అవుతుంది కర్ణాటక ప్రజలు కాదు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారు ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఒక ఉపశమనాన్ని కోరుకుంటున్నారన్న ఒక పదం కూడా ఆమె ఉపయోగించారు